हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में तो जैसा कि हम लोग आई सीरीज को कर रहे थे यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप के सीरीज को कर रहे थे तो उसमें मैंने वादा किया था जो टॉप इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं जो टॉप एग्रीमेंट हैं उनको मैं करवाऊंगा तो आज जिस इंस्टीट्यूशन के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्ल्ड बैंक ग्रुप यानी विश्व बैंक का समूह क्या है वर्ल्ड बैंक ग्रुप कब बना था क्या है इसका ऑब्जेक्टिव सब कुछ कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर में साथ ही साथ अन्य जानकारी जो भी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड होगी वो आपको मैं प्रदान करूंगा पर मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करना ना भूलें तो जी एस पी पर टू से इंपॉर्टेंट रहेगा इंटरनेशनल रिलेशन तो वर्ल्ड बैंक क्या है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसा कि मैंने आज से लगभग चार पांच दिन पहले आईएमएफ के बारे में पढ़ाया था यानी आ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पढ़ाया था तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में मैंने बताया था कि जो आपका वर्ल्ड बैंक है और जो आईएमएफ है दोनों एक ही टाइम में बना है इसीलिए इसे ब्रिटेन वो ट्विंट भी कहा जाता है जो आपका ब्रिटेन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था यूनाइटेड नेशन के अंदर में वाशिंगटन डीसी के अंदर में तो वहां पे इनकी स्थापना की गई थी और इसीलिए इसे ब्रिटेन वो ट्विंस भी कहा जाता है इसलिए इसका भी काम वैसा ही है जो आई का है लेकिन थोड़ा बहुत इसमें अंतर है जो मैं बताऊंगा आपको क्या देखिए वर्ल्ड बैंक क्या है एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम क्या है प्रोवाइडिंग करना फाइनेंसिंग एडवाइस और रिसर्च एंड डेवलपिंग नेशन को जिनसे उनका आर्थिक विकास हो सके क्या बोला मैंने मैंने बोला कि वर्ल्ड बैंक क्या है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करता है फाइनेंस एडवाइस और रिसर्च किसको करता है डेवलपिंग नेशंस को करता है ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके यानी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स को पा सके अब बेसिकली इसका काम है ना कि गरीबी से लड़ना गरीबी को खत्म करना जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मिडिल इनकम ग्रुप्स कंट्रीज़ हैं, लो इनकम ग्रुप कंट्रीज हैं, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना ताकि वो जल्दी से जल्दी क्या हो सके डेवलप हो सके मैंने बताया था ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के अंदर में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिट्री फंड की स्थापना की गई थी जब विश्व युद्ध दूसरा खत्म हुआ था तब यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह तय किया गया कि भैया जी हमारा इकोनॉमिक कोलैप्स कर चुका है हम लोग बर्बाद हो चुके हैं तो हमें पीस की तरफ बढ़ना चाहिए और शांति के साथ हमें क्या करना चाहिए विकास की तरफ भी बढ़ना चाहिए तो विकास में क्या लगता है भैया विकास में पैसा लगता है मैं उस विकास की बात नहीं कर रहा जो आपका दोस्त भी हो सकता है मैं विकास की बात कर रहा हूं मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो विकास में क्या लगता है विकास में पैसा लगता है तो उसी पैसे की मांग क्या करना उसी पैसे की मांग को पूरी करना इसका ही उद्देश्य था साथ ही साथ कोई भी ऐसा एडवाइस हो जाए कि हाँ भाई ऐसे काम करो नहीं तो तुम्हारे आने वाले टाइम में तुम्हारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी तमाम तरह के रिसर्च बैठाना आपके कंट्री के ऊपर में ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट उनका हो सके अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका हेडक्वाटर वर्तमान के अंदर में वाशिंगटन डीसी के अंदर है अगर एक बात याद रखिएगा अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं ना तो इसके अंदर में मात्र दो इंस्टीट्यूशन ही आते हैं कितने इंस्टीट्यूशन आते हैं दो इंस्टीट्यूशन वो कौन कौन से हैं एक है आई और दूसरा है आई यानी पहला कौन सा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और दूसरा क्या है द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जब हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं ना साथियों तो इसके अंदर दो इंस्टीट्यूशन आते हैं लेकिन आप सोचोगे कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्यों बोला गया ग्रुप का मतलब क्या होता है समूह यानी इसमें विभिन्न प्रकार के जो संस्थाएं हैं वो आ रहे हैं एक साथ इसीलिए इन्हें वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जा रहा है अब इसमें कितने संस्था आते हैं इसमें पांच संस्था आते हैं वो पांच संस्था कौन कौन से हैं एक तो आई बी आर डी है ही दूसरा है आई डी ए तीसरा क्या है आई एफ सी यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन दूसरा है एम आई यानी द मल्टी लेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और पचवा कौन सा है ICSID यानी द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ये पांच संस्था है जिनको हम लोग वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जानते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की तो उसमें सिर्फ मात्र दो इंस्टीट्यूशन ही आते हैं वो पहले वन और टू अच्छा आप ये सोच रहे हो कि सर ये बताओ कि वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप अलग है क्या नहीं भैया दोनों एक ही हैं। अलग नहीं है वर्ल्ड बैंक ग्रुप ही बोलते हैं लेकिन जब हम बेसिकली वर्ल्ड बैंक की से करें ना तो इसके अंदर में दो ही इंस्टीट्यूशंस होते हैं अब इनके क्या-क्या काम है मैं अभी चर्चा करूंगा आने वाले स्लाइड्स के अंदर में लेकिन एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे देना चाहता हूं इसमें कि आप सोचते हो बैंक ठीक है बेसिकली हम लोग जब बात करते हैं ना भैया ये बैंक है तो बैंक का काम क्या होता है बैंक का काम होता है हमें लोन प्रोवाइड करना और लोन प्रोवाइड करने के साथ हमसे क्या करना इंटरेस्ट वसूलना और उसी प्रॉफिट को उनको देना जिन्होंने पहले बैंक में आके क्या रखे हैं पैसे रखे हैं ये बेसिकली बैंक का काम होता है ऐसे कार्य करने वाले संस्थाओं लोग बैंक बोल देते हैं लेकिन ये 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 बैंक बैंक नहीं है ये क्या है ये है है क्या ठीक वर्ल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है ये कोई बैंक नहीं है जो आपको एक अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है हाँ बेसिकली इसमें कंट्री काम कर रहे हैं बेसिकली बड़े बड़े कंट्रीज काम कर रहे हैं लेकिन आप ये कहोगे कि वर्ल्ड बैंक एक बैंक है तो ये सुटेबल जवाब बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में पांच मेंबर के ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं वो पांचों मेंबर का मैंने नाम बता दिया अब मैं चर्चा करूंगा कि इनका फोकस एरिया क्या क्या है तो पहला है आपका द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इनका मेन फोकस है प्रोवाइड करना डेप यानी लोन प्रोवाइड ऋण प्रोवाइड करता है किसको करता है यह प्रोवाइड करता है मिडिल इनकम कंट्रीज को यानी सरकार को जो लो इनकम ग्रुप्स या मिडिल इनकम ग्रुप्स के क्या है? कैटेगरी है? के अंदर में आते हैं दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये भी लोन प्रोवाइड करता है लेकिन ये जो लोन प्रोवाइड करता है ये इंटरेस्ट फ्री करता है वो भी पुअर कंट्रीज़ को एक बेसिकली डिफरेंस यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर हम मिडिल इनकम या लो इनकम की बात करते हैं ना तो पैसा आना और एकदम कम पैसा आना और एकदम पूरा गरीब होना जैसे पाकिस्तान ये पूरा गरीब हो गया ये एकदम बोलता है ना भिकारी भिकारी भी इसके लिए शब्द सही नहीं है मुझे लगता है एक अच्छी शब्द की जरूरत पड़ेगी मुझे आने वाले वक्त में तो मैं सर्च करूंगा उसके बाद अच्छे शब्दों का चयन करने के बाद पाकिस्तान को नवाजूंगा लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जिनका जेब में पैसे ही नहीं है बिल्कुल गरीब हैं बिल्कुल एकदम पुअर कंट्रीज हैं उनकी एकदम हालत खस्ता है इकोनॉमी का अदा पता नहीं इंफ्रा पता नहीं कुछ नहीं खाली बेकार के काम में लगे रहते हैं जैसे आतंकवाद फैलाना ऐसी चीजों में तो उनको लोन नहीं देगा लेकिन जो अच्छे लोग हैं भैया गरीब बने हैं कोई बात नहीं उनका मतलब उनकी पॉलिसी ऐसे रही होगी जो आगे जाके बहुत सारी फेल हो गई बहुत सरकार ने वो ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाए होंगे जो फेल हो गए होंगे या फिर कोई नेचुरल क्लाइमेट चेंज की वजह से फेल हो गया होगा तो बेसिकली वो कंट्री जो पीछे रह गए अब वो बिल्कुल पीछे हैं यानी उनकी हालत बुरी एकदम खस्ती है तो उस केस में उनको इंटरेस्ट फ्री लोन कौन प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन लेकिन जो मिडिल इनकम ग्रुप्स वाले कंट्री होते हैं जैसे भारत तो इनको कौन लोन प्रोवाइड करता है इनको प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट दूसरी बात तीसरा इंस्टीट्यूशन यहाँ कौन सा निकल के आ रहा है साथियों वो आ रहा है द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इनका काम होता है लोन प्रोवाइड करना प्राइवेट सेक्टर को जो भी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं यानी वो कंपनियां जो किसी कंट्री में जाके किसी डेवलपिंग uh, कंट्री के अंदर में जाके चाहती है कि हम अपना क्या क्या करें वहां पे इन्वेस्टमेंट करें तो एक तरह से फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस के रूप में यहाँ पे आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन काम करता है मल्टी मल्टी लेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी का क्या काम है इसका काम है एफडीआई के ऊपर में फोकस करना यानी जो आपका डेवलपिंग कंट्रीज है ना उनमें भैया एफ बना रहे उनमें एक लिक्विडिटी बनी रहे तरलता बनी रहे लोग ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें आके वहां पे FDI को इसके लिए लगातार इंटरनेशनल गारंटी एजेंसी क्या करता है काम करते रहता है लास्ट बचा आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन डिस्प्यूट इसका काम होता है कि ऐसे कोई भी डिस्प्यूट चल रहे हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को लेकर उनको एक तरह से समझौता बैठाना उन लोगों के बीच में कि हाँ भैया डिस्प्यूट खत्म कीजिए किसी भी डिस्प्यूट का ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप आ, कहीं पे भी जल्दी से ग्रोथ कर जाओगे तो ऐसा नहीं होता अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैंने बता दिया कि डेवलपिंग कंट्री को डेवलप करना ही इसका काम है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इसका बढ़ाना काम है विश्व युद्ध दूसरे के बाद इसको शुरू किया गया था ताकि जो डैमेजेस हैं उनको रिकवर किया जाए बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में इक्वेबरियम इक्म बनाना इंकरेज करना इन्वेस्टमेंट को और तमाम तरह के मनी एक्सपर्टाइज और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना यहाँ तक की अगर बातें समझ में आ रही है तो एक बार सेशन को प्यारा सा लाइक जरूर करेंगे द वर्ल्ड बैंक के अंदर में आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है आई बी आर डी अगर हम कर्ज की बात करें तो इस साल में जून 2022 यानी 19 जून 2022 को 29 सॉरी 19 नहीं 29 जून 2022 को तो मैं न्यूज प्रेस रिलीज लेके आ रहा हूं कि इन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया 750 मिलियन डॉलर का लोन किसको इंडिया को प्राइवेट फाइनेंसिंग के लिए सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर में तो ये करंट का डेटा है जो आप लिख लो भारत के अंदर में तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके अंदर में जो वर्ल्ड बैंक है अपना सपोर्ट दे रहा है जैसे एजुकेशन के अंदर में सर्व शिक्षा हो गया एग्रीकल्चर के अंदर में इंटरनेशनल डेयरी प्रोजेक्ट हो गया हेल्थ के अंदर में प्रोग्राम टुवर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ ट्रिबल क्रॉसेस हो गया फूड सिक्योरिटी के अंदर में भी आप देख सकते हो आई सी डी एस यानी जो नेशनल सॉरी नेशनल नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है जिसके ऊपर मैंने क्लास ले रखी है उस जो चाइल्ड वगैरह के माल न्यूट्रिशंस को कम करना ही उसका उद्देश्य है जो लेटेटिंग वुमेंस हैं उनको प्रमोट करना उनको एक तरह से सपोर्ट देना न्यूट्रिशन के लिए इनका काम है तो इसके अंदर में वर्ल्ड बैंक लगातार प्रयास कर रहा है भारत के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर में डैम रिहेबिलेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंदर में काम कर रहा है और भी तमाम तरह के प्रोजेक्ट यहाँ देख सकते हो जिसमें भारत के अंदर में डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक यानी डब्ल्यू बी लगातार जो है प्रयास कर रहा है इसको डब्ल्यू बी जी भी बोलिए तो बात एक ही है तो ये मैंने कैटेगरी रखे हैं आप चाहो तो पढ़ सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर जान लोगे तो बेसिकली आपका ऐसा नहीं है कि कुछ जाएगा अगर बोलोगे तो मैं एक मिनट के लिए स्क्रीन जो है यहां पे पॉज कर देता हूं ताकि आप स्क्रीन शॉट ले लो एक मिनट ओके तो वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री तो बेसिकली आपने स्क्रीन ले लिया होगा अगर नहीं लिया तो आप पॉज करके भी ले सकते हैं तो बता दिया मैंने कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप अगर हम बोलते हैं तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक कोई ऐसा बैंक नहीं है लेकिन इसके अंदर में पांच संस्थाएं काम करती हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा कर दिया इसका स्थापना आईएमएफ के साथ किया गया था वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर में है किस एग्रीमेंट के द्वारा यह बना गया था तो नाइनटीन के अंदर में ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के द्वारा बनाया गया था विश्व युद्ध दूसरे के बाद यूनाइटेड नेशन के अंदर जहाँ कि मैंने ये भी पता है कि इस एग्रीमेंट में आई बनाया गया था और वर्ल्ड बैंक बनाया गया था इसीलिए इसे हम ब्रिटेन वुड ट्विंस के नाम से भी जानते हैं इन दोनों को चलिए तो आशा करता हूं सेशन आपको समझ अच्छा में आया होगा अगर आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन प्लीज दबा लें ताकि मेरे ले लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहे सेशन को शेयर भी कर दें बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं आई पे भी क्लास चल रहा है तो आप जाकर देख सकते हैं तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान मुझे दिया गया धन्यवाद जय हिंद जय भारत